मथुरा में सांसद हेमा मालिनी द्वारा स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें दिशा योजना के तहत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की चल रही विकास योजना के बारे में स्थानीय अधिकारी से जानकारी ली। दिशा योजना के इस बैठक में मथुरा के कई विधायक और MLC के साथ कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं DM SSP के अलावा स्थानीय सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे, जिनसे जहां जहां पहले मथुरा की कायाकल्प के लिए विचार लिए गए, वहीं बैठक में मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। जिस तरह से मथुरा में जाम और जलभराव की समस्या होती है, इस पर कार्य किए जाएं। शहर और जिले में जहां भी सड़कें टूटी हैं या फिर सही बनी हैं, उनकी मरम्मत करने के आदेश दिए। जब PWD विभाग द्वारा बनाई गई सड़कों को लेकर मॉन्ट विधायक राजेश चौधरी और गोवर्धन विधायक मेघ श्याम सिंह ने सख्त रुख अपनाया और बोले कि आप सड़कों को पूरी गुणवत्ता के साथ नहीं बनाते हैं और नहीं बनने से पहले स्थानीय विधायक MLC को बताते हैं, सिर्फ बनने पर उनका लोकार्पण करा देते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता का पता नहीं चलता। और देखने को मिली है कई जगह सड़कें कुछ ही महीनों में टूट जाती हैं, जिससे जनता हमको शिकायत तो करती है। वहीं बनने से पहले हम काम शुरू करते समय उनका शिलान्यास भी नहीं करते हैं। इसी के साथ यहाँ बिजली, पानी, साफ सफाई, सुरक्षा और हाथरस जैसी घटना यहाँ ना हो, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो वहीं पानी टंकी गिरने वाली जैसी घटना और टंकियों को लेकर भी जानकारी मांगी है। इसके बाद मीडिया से बातचीत में हेमा मालिनी ने बताया कि हमने यहाँ चल रहे विकास कार्य को दिशा योजना की बैठक में जाना है और स्थानीय अधिकारियों से बात करते हुए उन्हें बोला है कि अगली बैठक 4 महीने में होगी, तब तक इन सभी कार्यों की समीक्षा करके जवाब देना होगा। हाँ जी, दिशा मीटिंग हुई अभी, जो पिछले कई पीछे कर ले भाई, अभी लास्ट मीटिंग वी डिड इट इन द लास्ट ईयर किया था। अभी बीच में इलेक्शन की वजह से अभी इस बार, इससे मेरा इस टेन्योर का ये पहला मीटिंग है दिशा का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, पूरा मथुरा क्षेत्र के पूरा डेवलपमेंट के बारे में, जो जो कमियां रह गई है उन सबको भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जितना काम हुआ है आईडी जा रही है वो भी हमें सुनने में देखने को मिलता है, कितना काम हो चुका है और जो करना है। एवरी डिपार्टमेंट के पीपल आते हैं, सारे अधिकारी लोग आए। अभी लास्ट मीटिंग जो था वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हमारे वृंदावन में काफ़ी समस्याएं रहती है, क्योंकि वहाँ के जनता हमें हमेशा कहते रहते हैं ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ आबादी भी बढ़ती हो रही जा रही है, तो इसकी वजह से हमें उसके हिसाब से हर चीज़ को आगे और ज़्यादा करना पड़ता है। तो उसके विषय में, देन रोड के विषय में, एंड सो मेनी थिंग्स। अभी आई थिंक हमारे DM साहब भी यहीं पे हैं, वो भी बताएंगे कि क्या क्या किस किस विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ये मीटिंग हम दिशा का पूरा मथुरा के डेवलपमेंट के बारे में है, और भी अच्छा सा और भी फास्ट होगा सब चीज़। और हम चाहते हैं कि ये मीटिंग एवरी 4 मंथ्स होता है, और सारे जनप्रतिनिधि भी साथ में थे हमारे, सब लोगों ने भी अपना अपना विषय भी रखा है, तो सब लोगों का बात सुनकर हमारे अधिकारी लोग भी वो सबको माना है और वो भी करने के लिए राजी है। हम लोगों ने उनको पहले तो हमने उनको बहुत ही उत्साहित किया, बधाई दी, जितना काम अच्छा हुआ है और जो और अच्छा काम हो सकता है उसके विषय में हम लोगों ने बताया। मैम, सबसे पहले वो जल भराव की समस्या को लेकर काफी बड़ी समस्या है, शहर में चारों तरफ पानी भरा। हाँ जी, उसके विषय में काफी बातें हुई है, उसकी कैसे कैसे समस्याएं करेंगे वो सब उन्होंने कहा है, ये सब करने वाले हैं आगे के लिए। इतने मैंने यही कहा कि ये सिर्फ बारिश के मौसम में ये तकलीफ होता है, ऐसा ना हो कि परमानेंट इसको कर दें कि कभी भी बारिश हुआ कुछ भी हो तो ये हो। लेकिन हमारा सिटी जो है बहुत वेरी ओल्ड एंशंट सिटी है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़बरदस्त ज़ोरों से उसको डेवलप करना मुश्किल है, क्योंकि हमें इसकी वो जो प्राचीन काल का जो स्वरूप है उसको रखते हुए हमें डेवलप करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एवरीबडी, ऑल ऑफ अस। जन्माष्टमी का पर्व काफी बड़ा था, उसके लेकर जो श्रद्धालु आए थे, पानी में से निकासी निकली उनकी, देख सकते हैं। बारिश देखिए, जन्माष्टमी में तो बारिश होगी हर जगह, चाहे वो मथुरा हो या बम्बई हो या कलकत्ता हो, कहीं पे भी, तो दैट इज वो होगी, वो उसके लिए वो दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ जन्माष्टमी इज यू हैव टू, आपको भीगना पड़ेगा बारिश में, जैसे भगवान कृष्ण भी भीग कर आए ना, तो ऐसे दैट इज वाटर सप्लाई को लेकर जो गंगा जल वाली सप्लाई है वो अभी तक प्रॉपर शहर में नहीं हो पा रहा है। प्रॉपर देखिए, जब बारिश होती है तो सारे जगह जल भराव हो जाता है, उसके लिए काफ़ी हम लोगों ने मेहनत किया है, हमारे पूरे अधिकारी लोगों ने काफ़ी वो पंप डाल के निकालने की कोशिश करता है।
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति जिसको संक्षेप में दिशा कहते हैं, इसकी बैठक माननीय सांसद महोदया की अध्यक्षता में हर क्वार्टरली होती रहती है। इस वर्तमान में जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय सांसद जी लगातार तीसरी बार मथुरा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इस टेन्योर की आज ये पहली बैठक आहूत की गई थी जिसपे हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं धनी सिंह तेजवीर सिंह साहब और सभी माननीय विधायकगण, ब्लॉक प्रमुखगण और सभी संबंधित अधिकारीगण इस बैठक में उपस्थित थे, जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, क्या योजनाएं हैं, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, क्या पब्लिक का फीडबैक क्या है जो माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सामने आता है, और कैसे हम उस योजना को और बेहतर बना सकते हैं। तमाम ज़्यादातर चीज़ें होती हैं जो स्थानीय स्तर से हम लोग ठीक कर पाते हैं, कुछ पॉलिसी मैटर इशूज होते हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित होते हैं, तो उसको उस स्तर पर उठाने के बारे में इस फोरम के माध्यम से हम लोग एक निर्णय लेते हैं। आज की बैठक में विभिन्न विभागों की, चाहे वो बिजली विभाग रहा हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, नगर निगम हो, डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, आरईडी हो, राजस्व हो, पुलिस विभाग हो, सभी विभागों के बारे में आज यहाँ चर्चा परिचर्चा हुई। जैसा अभी आप लोग कह रहे थे जल भराव की एक समस्या के बारे में, देखिए नए बस अड्डे के सामने और भुतेश्वर अंडरपास के सामने अक्सर जल भराव होता है। कारण वही है कि चूंकि हमारा शहर का सेफ बाउज सेफ्ड है और ये सब हमारे वो एरिया है जो लो लाइंग एरिया है, तो सारे एरिया में थोड़ा भी बारिश होती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है। इसके लिए नगर निगम ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाई है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है, और वो प्रोजेक्ट स्वीकृत होते ही फिलहाल राहत लोगों को मिलेगी। एक बात आप लोगों ने पेयजल की आपूर्ति की बात कही है, देखिए आज की डेट में है क्या कि दो पार्ट में अगर हम इसको देखें, ग्रामीण क्षेत्रों का देखें, एक अर्बन क्षेत्रों का देखें, ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में गंगा वाटर सप्लाई करने के लिए पालरा से बुलंदशहर से पानी लाया जा रहा है और प्रोजेक्ट अंडर प्रोग्रेस है, और ये अपने आप में इतनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि हमारे हर गांव में पर्याप्त लोगों को ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध होगा। अर्बन एरिया में ऑलरेडी 25 MLD गंगा वाटर हमें मिल रहा है, यद्यपि हमारी रिक्वायरमेंट 125 MLD की है, उसको हम यमुना वाटर और अंडरग्राउंड वाटर से सप्लीमेंट करते हैं। लेकिन जैसा होता है, चूंकि गंगा वाटर की पवित्रता शुद्धता ज़्यादा अच्छी है, तो हर व्यक्ति की डिमांड, हर मोहल्ले की डिमांड होती है कि हमारे यहाँ गंगा वाटर की सप्लाई की जाए। उसके लिए हम लोग लगातार समन्वय कर रहे हैं राज्य सरकार के स्तर से, केंद्र सरकार के स्तर से, क्योंकि अलाटमेंट आप जानते हैं कि वाटर जो है कंकरेंट लिस्ट में है, उसका अलाटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की सहमति से होता है, तो हमने अपनी डिमांड मांगी हुई है और जैसे ही हमें मिलेगा और आपूर्ति हम बढ़ाएंगे। ऐसे ही बिजली विभाग की तमाम समस्याएं हैं, अक्सर आप देखते हैं कई बार फॉल्ट आदि को लेकर के आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है कि तमाम जगह हम लोग केबल्स बदल रहे हैं, तमाम जगह हम स्ट्रेंथनिंग अपने सिस्टम की कर रहे हैं। इसके पार्ट वन पे काम चल रहा है जो नवंबर तक पूरा हो जाएगा, इसका पार्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल में लिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें लाइन लॉस भी कम करना है कि कई बार बिजली की चोरी होती है, जिससे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें रिटर्न बिजली विभाग को नहीं मिल पाता है, तो इसके बारे में भी आज यहाँ चर्चा पर चर्चा हुई। माननीय सांसद महोदया ने इस बात के लिए निर्देश दिए कि जो विभिन्न पर्व और त्यौहार मनाए जा रहे हैं या हाथरस में जिस तरह की घटना घटित हुई है, उस तरह की घटनाएं न घटित होने पाए, इसके लिए स्थानीय प्रशासन पूरा प्रयास करे। इसके बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने विस्तार से अभी तक जो जन्माष्टमी का पर्व या इसके पहले हरियाली तीज या जो भी पर्व समारोह मनाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। आप जानते हैं कि चूंकि ये सांस्कृतिक राजधानी है मथुरा, तो यहाँ तमाम समागम होते रहते हैं, उन समागम में भी व्यवस्थित ढंग से उसको कराया जाए, इसके लिए प्रशासन निरंतर प्रयासशील है। आगामी समय में अभी राधा अष्टमी भी आज से लगभग 12 दिन बाद आयोजित होने वाली है, उसके बारे में भी सांसद महोदया निर्देश दिया और उसके अनुपालन में आज सायं ही हम और SSP साहब बरसाना जा रहे हैं, और कैसे इस पर बेहतर व्यवस्थाएँ बनाएं, चूँकि लास्ट ईयर SSP साहब और हम दोनों लोगों को ये सौभाग्य था कि हम इसी जनपद में थे, तो जो हमारे पिछली बार कुछ कमियां रह गई हैं उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। और मैं सांसद महोदया का भी आभारी हूँ कि समय समय से आपका हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, और चूंकि आपका विजन न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल का विजन है, तो उसका भी हमारे जनपद को लाभ मिलता है, तो हम आपके माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि हमारी कमियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, हम उसको